दोस्तों करेला जो कि सबसे कड़वा होता है और सबके लिए भी कड़वा होता है, ठीक है। तो आज हम इसी करेले का इस्तेमाल करके इसके अंदर से मधुर संगीत को बाहर निकालने वाले हैं, जैसे कि हमें पियानो से मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इन सब को इस्तेमाल करके इसके अंदर से मधुर संगीत को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपस वीडियो को देखते जाइए और सीखते जाइए कैसे हम करेले को मधुर संगीत में कन्वर्ट करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले लेता हूँ करेला, तो यहाँ पर मैंने 6 ले रखा है। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो और यहाँ पर आप कोई वेजिटेबल यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक ब्रेड बोर्ड, मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 MΩ का 6 रजिस्टर, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 करेला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका जो पॉजिटिव वाला लाइन है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देना है। तो पॉजिटिव को कॉमन करते हुए मैं यहाँ पर 6 रजिस्टेंस को कनेक्शन कर देता हूँ। लेता हूँ यहाँ पर एक आर्डुइनो यूनो जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, और इसके अंदर हमें कोडिंग डालना होगा, इसके प्रोग्रामिंग करना होगा, तभी जाके हमें यहाँ पर म्यूजिक मिल सकता है, क्योंकि बिना आर्डुइनो के हम कोई भी म्यूजिक को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपने आर्डुइनो को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आर्डुइनो कनेक्ट हो चुका है लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पर ये रहा इसका प्रोग्रामिंग जो कि मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो एक एक पिन को अलग डिफाइन ना करते हुए मैंने प्रोग्रामिंग के साथ, यानी कि इसका जो ट्यून मैंने जो कि टोन इसको सेट किया है, तो टोन के साथ ही मैंने इसका जो पिन को डिफाइन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर एनालॉग पिन जो कि A0 है वो अगर 1000 से कम होता है, ठीक है, जो कि इसका सेंसिटिव पॉइंट होता है, वो अगर 1000 से कम होता है तभी जाके ये जो कि टोन 8, यानी कि हमने जो स्पीकर यहाँ पर जो कनेक्ट कर रखा है, जो कि आपका आउटपुट टर्मिनल है, जो कि हमने 8 नंबर को चूज किया है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, टोन 8 को 262 फ्रिक्वेंसी पर वो उसको एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। यानी कि वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो 262 फ्रिक्वेंसी पर वो निकलेगा, ठीक है। और उसका जो टाइमिंग है वो 460 है, ठीक है। यानी कि आपका जो टोन है वो कितनी देर तक बजना चाहिए जब भी आप एक बार क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले रखा है 460। अगर आप चाहो तो इसको अगर बढ़ाओगे तो जो अगर आप एक बार क्लिक करते हो, अगर आप एक बार टच करते हो, तो वो बहुत ही देर तक बजते रहेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ से आप इसका जो सेंसिटिव है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो 1000 लिखा हुआ है, आप इसको अगर बढ़ाओगे तो इसका जो सेंसिटिव है और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ A0 से लेकर के A6 तक ही इस्तेमाल किया है, सॉरी A5 तक इस्तेमाल किया है पिन को। अगर आप चाहो तो यहाँ पर D0 से लेकर के D13 तक भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या फिर A0 से लेकर के A5 तक और D0 से लेकर के D13 तक यहाँ पर आप टर्मिनल को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इसी तरह का प्रोग्रामिंग लिखना होगा, और ठीक है वहाँ पर आपको अलग अलग ट्यून भी यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। इसको ऑडियो के ऊपर अपलोड कर लेते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको पहले जाना होगा टूल्स पर, उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा ऑडियो कौन सा ऑडियो है। तो यहाँ पर मैं यूनो ले रहा हूँ, तो यूनो सिलेक्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोर्ट सिलेक्शन करना होगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लिया है COM3 एंड ऑडियो यूनो को। मैं क्लिक कर दिया है अपलोड पर, और यहाँ पर ये अभी अपलोडिंग हो रहा है, तो ऑफलोडिंग डन हो चुका है। तो अभी चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ से हम आर्डुइनो से जो कि 5 वोल्ट का टर्मिनल है वहाँ से हमें कनेक्शन लेकर के यहाँ पर हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो अभी सारे रेजिस्टेंस को पॉजिटिव मिल चुका है। रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है इस साइड में, तो इसको पॉजिटिव मिल चुका है। तो अभी जो बाकी दूसरा टर्मिनल है, तो यहाँ पर हमें कनेक्शन लेकर के आर्डुइनो को इनपुट देना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 6 रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस को हमें लेकर के जो अनादर टर्मिनल है वहां पर हमें कनेक्शन करना होगा, A0 से लेकर के A5 तक। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm...
तो ये मैं रहता हूँ एक स्पीकर जो कि एक 8 ओम्स का स्पीकर है। यहाँ पर आप 4 ओम्स का भी स्पीकर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो स्पीकर के एक टर्मिनल को मैं कनेक्शन कर देता हूँ ग्राउंड पर, और जो दूसरा टर्मिनल है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ डिजिटल पिन 8 पर। 6 रेजिस्टेंस हमने लगाया था, जहाँ से लेकर के कनेक्शन हमने आर्डिनो का दिया है, ठीक है, A0 से लेकर A5 तक। तो वहाँ पर हमें 6 वायर और निकालना होगा, ठीक है, और उन वायर को हमें कनेक्शन करना है अपने करेले पर। हमारा जो एनालॉग पिन था A0 से लेकर के A5 तक, उन सबको अभी हम करेले पर कनेक्शन कर देते हैं। सीरियल आपको कनेक्शन करना होगा A0 से लेकर के A5 तक। तो अभी हमें जो ऑडियो है वहां से हमें एक ग्राउंड का टर्मिनल बाहर निकाल लेना है, जो कि हमें रेफरेंस के लिए, ठीक है, इसको आपको हाथ में पकड़ना है और हर एक करेला का आपको टच करना होगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम ऑडियो को पावर थोड़ा देते हैं। ये रहा इसका रेफरेंस पॉइंट, अगर आप इसे टच करके भी इन सबको टच करते हो तो ये काम करेगा, अगर आप नहीं करते हो तो फिर भी ये काम कर लेता है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मैं इस करेला का टच करता हूँ तो कुछ म्यूजिक निकलता है। तो यहाँ पर मैंने हर एक करेला के हिसाब से, यानी कि हर एक टर्मिनल के हिसाब से मैंने यहाँ पर म्यूजिक सेट कर रखा है, तो उसके हिसाब से यहाँ से म्यूजिक आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 ही करेला लिया था, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा करेला लेते हो तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा म्यूजिक को सेट करके यहाँ पर आप जो अच्छा खासा एक पियानो बना सकते हो, ठीक है। तो इसे आप घर पर बनाइए, और अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं आप नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।